था इसकी दाल होगी से, तो उनमें से ही मैंने शुरुआत की अपनी टीम की। तो पहला नाम है बोरोसिल लिमिटेड का। दरअसल ये कंपनी वो बोरोसिल रिन्यूएबल नहीं है, ये दूसरी वाली है, बोरोसिल लिमिटेड 300-350 रुपए वाला जिसका शेयर था उसके साथ शुरुआत करूंगा। इसमें एक रिलेटेड खबर आई है, खबर है कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड किया है। इनकी ओपल वेयर ग्लास कैपेसिटी जो है वो एक्सपैंड की है जयपुर में। ये पहले इन्होंने इसका इंटीमेशन दे चुके हैं, लेकिन अब उसमें एडिशनल कैपेसिटी जो शुरू हो गई है उसका इंटीमेशन आया है। 42 टन पर डे ये कैपेसिटी इन्होंने अपने जयपुर प्लांट की शुरू की। और हाल फिलहाल में जो भी खबरें किसी कैपेसिटी एडिशन की आई हैं उसमें बाजार ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया और अच्छे अच्छे मूव आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो आप शुरू यहीं से ही करिए, बोरोसिल लिमिटेड जहाँ पर खबर आते हुए दिखाई पड़ी है। Q3 के अपडेट्स आ रहे हैं जिसका भी नीरज जी भी जिक्र करे और कर ही रहे थे कि अच्छे अपडेट आते हुए दिखाई पड़े और कई कंपनियों की तरफ से बेहतरीन अपडेट आए हैं। तो दो नाम जो उनमें से आप चुनना चाहिए उसमें एक है M&M फाइनेंशियल, जिसकी डिसबर्समेंट में करीब करीब 67% की YOY ग्रोथ देखने को मिली है और यहाँ पर 80% की Q3 डिसबर्समेंट के अंदर एक ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। YTD डिसबर्समेंट जो है उसके अंदर भी करीब 95% के आसपास की ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। तो नंबर साइड पे बेटर कुछ रिएक्शन हालांकि कल था, 2-2.5% के आसपास की तेजी थी, तो इसीलिए एक बार कोई स्केप्टिकल होकर यहाँ पे कोई कॉल लीजिएगा कि एक बड़ी तेजी यहाँ पे कल ऑलरेडी इन नंबर से पहले देखने को मिल चुकी है, लेकिन ये अपडेट अच्छा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा नाम आता है कर्नाटका बैंक का, जिसका अपडेट सबसे बेहतरीन सो फार देखने को मिला बाकी सभी अपडेट से कंपेरिजन में। तो कर्नाटका बैंक के अंदर Q3 की जो एडवांसेज हैं करीब 12.5% के आसपास बढ़ी है और 9.5% के आसपास कंपनी की जो कासा ग्रोथ है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। तो ये दोनों को एक साथ मैंने इसलिए क्लब कर लिया कि दोनों Q3 अपडेट आए थे। तो M&M फाइनेंशियल और कर्नाटका बैंक, ये एक और दो और नाम है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। एक जो शेयर और लिया मैंने वो है लिखिता इंफ्रा। आमतौर पर ऐसा कोई चर्चा नहीं होती और ऐसे कोई वैसे भी कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन सिर्फ एक खबर के दम पर या ट्रिगर के दम पर आप इसको आधार मान सकते हैं। कंपनी ने मेंशन किया ही कंपनी को Q3 के अंदर ही 120 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर मिले हैं जो कि अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में है। रफली 800 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है और उसके सामने 120 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर कंपनी को एक क्वार्टर में मिले हैं, यानी कि जो ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी है वो एटलीस्ट 2-2.5 साल के आसपास के रेवेन्यूज दिखाती है। रिसेंटली कुछ बड़े प्रमोटर बड़े निवेशकों ने भी इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी बढ़ाई थी, तब भी नोटिफाई किया गया था और अब इस लिहाज से भी आप नजर रख सकते हैं। तो सिर्फ ऑर्डर के लिहाज से आप इसके ऊपर नजर बना के रखिएगा। तो ये चार खबरों के आधार पर चार स्टॉक जिनके ऊपर आप एटलीस्ट नजर बना के रख सकते हैं। तो चार स्टॉक्स